मैं आज माइंड की बहुत ही गहराई में जाने वाला हूं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है, उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते। वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता रहे। इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। इट्स अ पैराडॉक्स, ये पूरा पूरा जाल है। इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। एक भूल भुलैया है ये। आप कर्म हो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है। और जो अच्छा नहीं है, मजा सब उसी में है। हमारा ये जो माइंड है ना, ये घोड़े के जैसा है। इमेजिन करो, एक घोड़ा है बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि वो उठा करके 10 लोगों को इधर उधर फेंक दे, इतनी पावर है उसके अंदर। और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया है उस घोड़े के ऊपर, वो क्या है? आपका माइंड। और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है। ये आपका माइंड है। घोड़े से रिलेट करना मतलब वो जहां जा रहा है, जहां उसका मन कर रहा है वहां भाग रहा है। कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी टक्कर मारी, कभी जा करके खाई में गिर गया, कभी यहां कभी वहां। और आप बैठ करके चीखे जा रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए? लगाम चाहिए। अपना माइंड विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक लगाम चाहिए। नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा आपकी जिंदगी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो जा रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, जिनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम करते क्या जा रहे हैं। धसते ही जा रहे हैं नीचे, धसते ही जा रहे हैं, ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। और एक दिन इतनी देर हो जाती है कि वो चाह करके भी नहीं उठ पाते। तो हो क्या रहा है? आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? उसको आप वजह कहो, उसको आप बर्निंग डिजायर कहो किसी काम को करने का। जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। तो जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। हाँ, they don't have a reason to do it, that's why they are giving excuses। और उनको गलतफहमी ये हो गई, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस। जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके। उनकी आदत पड़ती जा रही है हर चीज में एक्सक्यूज देने की। ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़, ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धड़ 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 धड़। मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूज दे रहे हो? यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, यू नीड अ बर्निंग डिजायर। भयानक
डिजायर चाहिए अंदर से, वो आपको खींचेगा, वो आपके घोड़े को एक डायरेक्शन देगा, नहीं तो भागता रहेगा इधर उधर, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लगाम लगाएगा, वो आपकी वजह होगी जिसके बेस पे गोल सेटिंग होगी। लोग बात करते हैं गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग, क्या गोल सेटिंग? उठा करके कोई भी गोल सेटिंग करती जो अंदर से खोखला है, उसके पीछे क्या बर्निंग डिजायर है या नहीं है, कोई पर्पस है या नहीं है? तो पर्पस क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल, दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो, अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है, मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी माँ के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है, मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में, मुझसे लिखवा करके रख लो। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मेरे अंदर से ये कैसे आया और कब आया और उसकी वजह से आज क्या हो रहा है। 11th तक मैं एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था, मतलब हार्डली कभी 50% आ गए, 60% आ गए, कभी कभी कंपार्टमेंट आ गई, इतना बुरा हाल था मेरा पढ़ाई में, बहुत बुरी हालत। हुआ क्या, 10th में मैंने एक जिम ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मेरा कुछ एक थोड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया जो लोग गलत ट्रैक पे थे, गलत ट्रैक और सही ट्रैक में आपको बता चुका हूँ कि क्या है। मतलब जिम किया, जिम के बाद में बैठे हुए हैं 3-4 घंटे के लिए, सिगरेट पे सिगरेट जल रही है, बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें, ये हो मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। 10th में मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर बन गया था, दिन की 8-8 सिगरेट, 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, ये हालत हो गई। और उसके बाद में 12th में मुझे याद है एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे, एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में जा करके, कोई देख ना ले, आप लोगों के भी ऐसे अड्डे होंगे। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं भी आप ही के जैसी सिचुएशन में से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे और बातें चल रही थी इधर उधर की, तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई और बता आगे तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे? तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना जो है, थोड़ा बहुत नंबर नंबर ला के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल, उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी, उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत खराब। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दे और मैं जाकर के अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे को मेरे को नौकरी मिल जाए, मतलब पढ़ाई में भी गया गुजरा हूं तो नौकरी भी नहीं मिली, तो करूंगा क्या? तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई, सिगरेट को लिया, बुझाया, तो उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लिया। उसके बाद में मैं घर आया, घर आकर के 2-3 दिन तक बैठा रहा अकेले में कमरे में, मम्मी आ रही पूछ रही थी बेटा क्या हुआ है क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ, क्या हुआ है बता तो सही, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है सोच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या, क्या करूंगा, सड़क पे जाकर के भीख मांगूंगा या इस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा या जिंदगी भर पान की दुकान पे खड़ा रहूंगा या इसके साथ में, इसके बाप के पास में तो पैसा है, इसके साथ में इसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा, क्या करूंगा, ये भी एक दिन उठा करके मेरे को लात मार देगा, फिर कहां जाऊंगा, ये भी कब तक खिलाएगा मेरे को, क्या ये खिलाएगा मेरी फैमिली को, कौन खिलाएगा, क्या करूंगा भाई, कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। 3 दिन तक सोचता रहा टेंशन में। उसके बाद में एक मोमेंट था जब मेरे अंदर से आया कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है, मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है, ये नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है, ये बनना है वो बनना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा आ गया अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुलने लग गए,
जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद थे। कोशिश करता था पढ़ाई की, कोशिश करता था पढ़ने की, बेकार। कोशिश करता था सिगरेट छोड़ने की, बेकार। कोशिश करता था अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। कोशिश करता था आवारागर्दी थोड़ी कम करूं, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। लेकिन जैसे ही अंदर से ये आया, वो सब तो छूट गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि करूं क्या। वहां पर अभी भी अटका हुआ था, लेकिन इंटेलिजेंस बीच में आ चुकी थी। और हमारे अंदर इंटेलिजेंस का भंडार है पूरा का पूरा, हम उसको यूज नहीं करते हैं। हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस रुक करके हमारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो जवाब मिलने लग गया कि अब मुझे लग करके पढ़ाई करनी है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जॉब करनी है, अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब करनी। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर ये नहीं किया तो क्या, पढ़ाई नहीं करी तो क्या, उसके बाद में कहां नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। बिजनेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माइंड के अंदर, और अच्छा ही नहीं था, क्योंकि अगर वो बिजनेस का ऑप्शन होता तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। कहता छोड़ो, अभी छोड़ो ना, कल क्या छोड़नी है, अभी छोड़ दो। ट्वेल्थ में ही पढ़ाई छोड़ देता और बिजनेस में चला जाता और फेल हो जाता। बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है। जैसे प्यार है ना, सुना है आपने, प्यार के जैसा है बिजनेस। प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपको किसी इंसान से प्यार है, यहां पर अपने काम से प्यार है। इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है। पैसे से प्यार की वजह से बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा बिजनेस में, बहुत आएगा, लेकिन तब आएगा जब काम तरीके से होगा, काम से प्यार होगा। ये खेल। अभी सिंपल का फंडा ये आ गया क्लियर कि मुझे आज कल चाहे जो भी करना हो, आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद, अभी ट्वेल्थ है ना, तो मुझे लग करके पढ़ना है। माइंड क्लियर हो गया, माइंड में से इफ और बट सारे निकल गए। वो सनी देओल का आपने डायलॉग सुना होगा, नो इफ नो बट ओनली जट। तो ऐसे ही मेरे माइंड में से सारे इफ बट निकल गए कि आपको इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया आएगा नहीं आएगा, कुछ करूंगा नहीं करूंगा, अभी तो पढ़ना है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ट्वेल्थ में डेली दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगा। पढ़ता रहा बैठ करके दिन में रात में, पढ़ता रहा। बोर्ड्स के एग्जाम्स हो गए, ट्वेल्थ में मेरे आए 85%। मेरे अपने स्कूल में 4th या 5th रैंक आई थी। उस टाइम पे परसेंटेजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, अब तो 95, 98, 99% भी कॉमन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है, कि अगर मैं 12th में बैठ करके सोचता रहता कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, तो क्या होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो होना है वो हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हुआ अपनी लाइफ में, अटका नहीं, करा किसी काम को कुछ सोच करके, हुआ कुछ और, उसमें से निकला कुछ और, किया कुछ और, बना कुछ और।